विद अपनी स्ट्रेसिंग कंडीशंस हमारे पास दोनों ही सेंटर डिस्टेंसेस ऑलरेडी गिवन थे। हमने सेंटर सिटी एट द सेंट्रॉइड 22.02 था और सेंटर से लेकर टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस 8.23 था। हमने दोनों जो है वो वैल्यूज को हमने ऐड किया तो वी गॉट डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज 30.25 इंचेस। ये डेप्थ आपकी 0.8 टाइम्स एच से ज्यादा होनी चाहिए। 0.8 टाइम्स एच हमारा जो है वो 27.2 इंचेस है, हमने कंसीडर किया 30.25, सो आवर सेक्शन इज सेफ अगेन। सो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग टेंट बार जो गर्डर उसका हम यूज कर रहे हैं 30.25 इंचेस एंड एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील हमारे पास जो है वो 2.448 इंच स्क्वायर था, हमने यहाँ पे वो वैल्यू कंसिडर की। उसके बाद हमने रो ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील निकाला कि प्रीस्ट्रेसिंग स्टील का रेशो कितना है। रो हमारा बेसिकली या एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, रो इंटू बी डी। अगर हम रो निकालते हैं तो हो जाती है इक्वेशन एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील डिवाइड बाई बी डी। तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील 2.448 है हमारे पास, इफेक्टिव टॉप लेंथ विथ हमारे पास 1250 जिसको हमने इंचेस में कन्वर्ट किया 12 × 12। टोटल डेप्थ अभी आपने यहाँ पे कंसीडर की 30.25, टोटल डेप्थ आपके पास आ गई। तो एरिया ऑफ स्टील द प्रीस्ट्रेसिंग स्टील रिइंफोर्समेंट रेशियो आपके पास 0.006 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्रैक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। मॉड्यूलर रेशियो हमारे पास 7.7 था, 7.7 एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग 2.448, डीपी आपके पास 30.25 का स्क्वायर 1 − 1.6, एनपी हमारे पास 7.07 और रो आपके पास 0.006। क्रैक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वी गॉट 14,187 h/4। अब आते हैं बैलेंस्ड लोड की तरफ। नाउ ये तो हमारे पास जो एडिशनल पोर्शन था या एडिशनल लोड जो ऊपर से एक्ट कर रहा है वो हमने कंसीडर किया। उसके बाद बैलेंस ऑफ द टोटल लोड कि बैलेंसिंग लोड हमें कितना रिक्वायर्ड है, दैट रिजल्ट्स इन क्रैकिंग ऑफ द सेक्शन, जो कि सेक्शन के अंदर क्रैकिंग को जनरेट करता है, उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। टोटल लोड हमारे पास कितना था, 1100 का हमें गिवन था लाइव लोड, और जो एडिशनल लोड हमें जरूरत थी वो 964 का आया। हमने दोनों लोड्स का एक डिफरेंस लिया डिवाइड बाय 1100 × 12 × 12, बेसिकली अगेन इज द कन्वर्जन जो कि हम पाउंड पर इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं जिस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अगर आप 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप बाद में भी कर सकते थे। तो W2 हमारे पास पाउंड पर इंच में आ गया 11.3 पाउंड पर इंच। इसी तरह से आपने इसकी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट की, क्रैकिंग डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5 W2L/4 / 384 × क्रैक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तमाम वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने पुट की तो वी गॉट 0.69 इंच जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले हमारे पास जो ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या ग्रॉस डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास कितनी थी, ग्रॉस डिफ्लेक्शन की 0.8 फर्स्ट केस के अंदर, और क्रैक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आई वो 0.69 है। देयरफॉर द टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड विल बी 0.69 + 0.80, हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड आ गई +1.49 इंच जो कि हमारा ओवरऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मेंबर एक्ट कर रहा है। तो ये था हमारा बाइलिनियर मेथड। अब उसके बाद हम आते हैं इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड जो कि हमारा सेकंड मेथड है इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है। इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्रैकिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय अलोबल मैक्सिमम मूवमेंट पावर 3 इंटू ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 1 − MCR/MA/3 इंटू क्रैकिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी लेस देन इक्वल टू टोटल ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। अब हमने क्या किया कि MCR ओवर अलोएबल मूवमेंट या अलोएबल मैक्सिमम मूवमेंट, ये इक्वेशन हमारी बराबर हो रही थी 1 − FTL यानी फाइनल टोटल स्ट्रेसेस माइनस फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेसेस ड्यू टू लाइव लोड। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस आपके पास 7.500 FC- आपके पास वैल्यू आई 530 की जो कि आपके पास ऑलरेडी गिवन है। टोटल लॉसेस आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 750 PSI की, हमें टोटल 10 PSI लॉसेज जनरेट हो रही है। और लाइव लोड की वजह से हमने लॉसेज यहाँ पे कैलकुलेट किए फर्स्ट स्लाइड के ऊपर 1770 है, तीनों स्ट्रेसेस हमारे पास हैं। तो जब हमने तीनों स्ट्रेसेस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिए तो क्रैकिंग मूवमेंट और अलोएबल मूवमेंट का हमारे पास जो जनरेट हुआ सारी स्ट्रेसेस की वैल्यूज आ गई, वी गॉट 0.7876। अब मैं इसका अगर पावर 3 कैलकुलेट करता हूँ क्रैकिंग मूवमेंट और अलोएबल मूवमेंट का तो वो वैल्यू आ जाती है 0.67। हमने आई इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे 0.67 इंटू ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन के अंदर डेटा के अंदर आपको गिवन है 86,072 प्लस 1 − FTL − FR, इस फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0.875। सॉरी यहाँ पे आपके पास क्यूब है तो 1 − क्यूब आपके पास वैल्यू थी 0.67 इंटू
क्रैग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन के अंदर है, क्रैग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्रैग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 14,187, तो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास वैल्यू आ गई 62,350 इंच पावर 4। अब इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया कि टोटल लाइव लोड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। टोटल लाइव लोड इंटेंसिटी पर इंच हमने कंसीडर की जो कि 1100 डिवाइड बाय 12 वी गॉट 92 पाउंड पर इंच। सो द डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस लाइव लोड बेसिकली विल बी 5WL पावर 4 डिवाइड बाय 384 EI बेसिकली विल बी द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कभी हमने कैलकुलेट किया है। तमाम वैल्यूज हमने पुट की, डिफ्लेक्शन हमारे पास टोटल ड्यू टू इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितनी आ गई 1.28 इंच जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है क्योंकि ये लाइव लोड की वजह से है। सो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी 1.49 बाइलिनियर मेथड के अंदर आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1.28। सो एज कम्पेयर टू प्रीवियस 1.49 इंचेस इन प्रीवियस सॉल्यूशन चूज डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड विल बी इक्वल टू 1.28 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यूज दिस वैल्यू फॉर फाइनल लेट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, इस केस के अंदर हमारे ये ज्यादा वैल्यू रिलायबल वैल्यूज हैं ये। सो ये था हमारा पहला डिजाइन जिसके अंदर हमने क्रैक सेक्शन को जो है वो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन या शॉर्ट टर्म इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मेंबर के अंदर। उसके बाद हम आते हैं मूवमेंट कर्वेचर डायग्राम के ऊपर। अब मूवमेंट कर्वेचर हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं या किस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। सो अब हमारे पास एक डिजाइन एग्जांपल है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन या डेवलप करेंगे एक मूवमेंट कर्वेचर डायग्राम जो कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर रिलाई कर रहा होगा। सो सेम एग्जांपल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, जो अभी हमने डिस्कस किया एग्जांपल और कल वाली जो पिछले वाली क्लास थी उसके अंदर भी हमने रबर की बैंडर का एग्जांपल डिस्कस किया था। अगर हम सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तमाम डेटा हमारे पास सेम है, हम जो कंसीडर कर रहे हैं कि उस बीम के लिए या उस टाइप ऑफ एलिमेंट के लिए हम किस तरह से मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। सो द डिजाइन स्टेटमेंट वी हैव द बीम कैरीज अ सुपरइंपोज्ड सर्विस लाइव लोड ऑफ 1100 पाउंड पर फीट जो हमने डिस्कस किया एंड सुपरइंपोज्ड डेड लोड ऑफ 100 पाउंड पर फीट जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल में यही वैल्यूज थी, अभी इस एग्जांपल के अंदर हम यही वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। इट इज बॉन्डेड प्री टेंशन जो हमारी लास्ट एग्जांपल में बात यही हो रही थी, हम इस एग्जांपल के अंदर यही कंसीडर कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेसिंग हमारे पास 2.44 इंच स्क्वायर है। वी आर नॉट कंसीडरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन प्री स्ट्रेस स्टील, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है एंड द इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो नॉन प्री स्ट्रेस स्टील का हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद अज्यूम दैट द स्ट्रेंथ्स आर जेड 70% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि 70% का केस हमने लास्ट क्लास के अंदर भी जो लास्ट डिजाइन के अंदर हमने कंसिडर किया। इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग हमारे पास वैल्यू गिवन है, इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग की सेम वैल्यूज हैं और 30 डेज के ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं विदाउट एनी टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। सो कंस्ट्रक्ट द मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप फॉर द मिड स्पैन सेक्शन ऑफ अ बॉन्डेड डबल टी बीम जो कि हमारा 12DD34 का है। फॉलो द इंक्रीमेंटल स्ट्रेन स्टेप्स के स्ट्रेन हम किस स्टेजेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ताकि उन स्ट्रेन से हम जो है वो एक कर्वेचर रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकें। तो स्ट्रेन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करनी है एट ट्रांसफर स्टेज, एट द ट्रांसफर व्हेन इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग हमारे पास कितनी है 189,000 PSI ड्यू टू इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग ओनली। और सेकंड कंडीशन के अंदर हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग के ऊपर जो कि हमारे पास वैल्यू है 154,980 PSI प्रियर टू द ग्रेविटी लोडिंग्स। और थर्ड केस के अंदर हम डीकम्प्रेशन एट द टेंडन लेवल या CGSS सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द जो प्री स्ट्रेसिंग स्टील है उस लेवल के ऊपर अगर हम कंसीडर करते हैं डीकम्प्रेशन स्टेज के ऊपर स्ट्रेन की वैल्यूज, तो हमारे पास जो है स्ट्रेन का ओवरऑल रिलेशनशिप क्या आ रहा है। ये तमाम स्ट्रेन हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और यही स्ट्रेन को हम जस्ट एक लाइन के अंदर प्लॉट करके उसके बाद हमें कर्व ड्रॉ लाइन ड्रॉ करेंगे। सो उसके बाद हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे एट द मॉडुलस ऑफ रप्चर लेवल। उसके बाद हम क्रैक सेक्शन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास कॉन्क्रीट के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो 0.001 इंच पर इंच है एट द टॉप ऑफ द सेक्शन। और उसके बाद हम फाइनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे यानी कि इनिशियल स्ट्रेंथ जो स्टेप नंबर 5 है क्रैक सेक्शन उसके अंदर कंक्रीट के अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। और सेकंड जो 6 सेक्शन है उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट के अंदर जो अलो होती है 0.003 तक वो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इन 6 लेवल्स को हमने कंसीडर करना है और हम जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन या मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ करना है फॉर शॉर्ट टर्म इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शंस।
तो दीज आर द डिटेल्स बेसिकली जो कि हमने कंसीडर किया था। हमारे पास गर्डर है, तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्लासेस के अंदर, अभी भी जो प्रीवियस डिज़ाइन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो सेक्शन की हैं वो भी हमें गिवन है, तमाम प्रॉपर्टीज सेम है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें सारी गिवन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। उसके बाद अलोएबल स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी आ रही है ये भी हमें उस सेक्शन के लिए कंसीडर जो वैल्यूज हैं वो गिवन है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेज क्या था कि इनिशियल प्री स्ट्रेस ट्रांसफर स्टेज के ऊपर जब आपके पास स्ट्रेसेस जो है वो 189,000 के ऊपर है तो उस वक्त आपके मेंबर के अंदर किस तरह से स्ट्रेंथ डेवलप होती है और कितनी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। So from the data of the previous example, the mid-span stresses due to only pre-stress basically are as follows. क्या आपको याद होगा कि हमने जो पिछले केस के अंदर सॉल्व किया था वैल्यूज पिछले डिजाइन के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ से ले चलूँ तो डिजाइन एग्जाम्पल के अंदर हमने स्ट्रेसेस जो कैलकुलेट की थी फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मिड स्पैन सेक्शन स्ट्रेसेस जो कि आपके पास हैं इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग लेवल के ऊपर, अगर आप इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग लेवल को कंसीडर करते हो तो टॉप फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस हैं +501 और बॉटम स्ट्रेसेस के अंदर हमारे पास कितनी है, जो मैं मूवमेंट कंसीडर नहीं कर रहे फिलहाल, सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो सेकंड केस के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो -3524 है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो दोनों स्ट्रेसेस हैं वो +501 है और सेकंड जो है वो हमारे पास -3524 PSI है। अब हम आते हैं स्ट्रेन की कैलकुलेशन के ऊपर। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टॉप फाइबर के अंदर स्ट्रेंथ कितनी हुई, +501 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन 3.49 इनटू 10 टू द पावर 6। हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई +144 इनटू 10 टू द पावर -6 इंच पर इंच। और स्ट्रेन एट द बॉटम फाइबर स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई -1010 इनटू 10 टू द पावर -6 इंच पर इंच। अब स्ट्रेन एट द टॉप फाइबर की वैल्यू और बॉटम फाइबर की वैल्यू आ गई, हम कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल कर्वेचर हमारा कितना डेवलप हो रहा है। इनिशियल कर्वेचर बेसिकली इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एट द बॉटम फाइबर माइनस स्ट्रेन एट द टॉप फाइबर डिवाइड बाय टोटल एच, जो कि एच बेसिकली आपका सेक्शन है या सेक्शन की ओवरऑल डेप्थ है।